हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं महाराष्ट्र बोर्ड के, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कल महाराष्ट्र बोर्ड ने जो अपने क्वेश्चंस बैंक है वो रिलीज़ कर दिए, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन, और किस मतलब क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका कैसे है वो सारे वो उन्होंने पेपर पैटर्न में डिक्लेयर कर दिया। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग बोलोगे ज़्यादा मुझे कमेंट आते हैं और अगर ज़्यादा लोग मुझे मैसेज करके ये बोलते हैं तो मैं इसके सॉल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर। प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए, तीन वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के बारे में, ट्वेल्थ साइंस के बारे में, बाकी दो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के और टेंथ के मैथ्स के बारे में। बाकी आपको हर एक सब्जेक्ट का लिंक हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, बायो का है, सारे जो मतलब क्वेश्चन बैंक है उनका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये जो है ये ऑफिशियल है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र पुणे से रिलीज हुआ है। क्वेश्चन बैंक है स्टैंडर्ड 12 का, आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसका कोड है 40, पार्ट 1 मैथमेटिकल लॉजिक। आपको पता होगा आपके चैप्टर्स आपको याद होंगे, मैथमेटिकल लॉजिक पार्ट 1 है, फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर मैट्राइसिस है, थर्ड चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद वेक्टर के दो चैप्टर आते हैं और बाद में आपका प्लेन और एलपीपी। तो ये सारे चैप्टर्स होंगे। तो हर एक चैप्टर से किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यू के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात तो ये, एमसीक्यू के क्वेश्चंस में एक एडवांटेज तो ये है कि आपको एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का है। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आपके टाइम बचेंगे और उसमें रॉन्ग होने के चांसेस नहीं होते। और दूसरी बात, इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका रॉन्ग हो गया तो आपके 2 मार्क्स चले जाएंगे, और एक एमसीक्यू 2 मार्क्स। और दूसरी बात, इसका डिसएडवांटेज ये है कि एमसीक्यू में ऑप्शंस नहीं है। अब बाकी सब में क्या कर सकते हो, बाकी सब में मैं आपको एक लेक्चर लेके आऊँगा, अगर आप लोग डिमांड करते हो तो मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ देने, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने, कोविड-19 के रीज़न से आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लेट पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, उनका सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप इस 1 मंथ की तैयारी में भी इस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हो कि अब वो 80 मार्क्स ला सकते हो। तो कौन कौन से उसके लिए टॉपिक, कौन कौन सा एक्सरसाइज आपको करना है, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको बता दूँ। बाकी अगर आप क्वेश्चंस बैंक के भी सारे क्वेश्चंस अगर आप करते हो ना, आप ऑलमोस्ट 90 के ऊपर स्कोर कर सकते हो। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, सिर्फ अब भी अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो भी आप उसे कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एमसीक्यू के क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं होते हैं, और दूसरी बात, उसके 2 मार्क्स होते हैं। टोटल 16 मार्क्स का आपका एमसीक्यू का क्वेश्चंस होता है। तो सिलेक्ट राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता होगा, एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन। एमसीक्यू के 8 क्वेश्चंस होते हैं 16 मार्क्स के। आपको 4 क्वेश्चंस 2 पार्ट 1 से 2 पार्ट 2 से 1-1 मार्क्स के लिए होते हैं, यानी कि सेक्शन 1 आपका 20 मार्क्स का होता है, बाकी 24 आपके सेक्शन 16 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 होता है, जिसमें 12 क्वेश्चंस में से आपको कितने करने होते हैं, 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। 12 क्वेश्चंस में से 8 अटेम्प्ट करने होते हैं, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 8 × 2 कितना हो गया 16, तो 16 + 20 कितने हो गए 32। ऐसे ही सेक्शन 3 जो है उसमें टोटल फिर से आपके पास 12 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको कितने करने होते हैं सिर्फ 8 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, कितने हो गए 8 × 3 = 24, तो 16 और 24 कितना हो गया 40, और पहला एमसीक्यू और वो 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन 4, कितने हो गए 60। और बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे 4-4 मार्क्स के, 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन, मतलब 8 में से आपके पास चॉइसेस कितने हैं 5, तो किसी भी 5 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करने हैं 5 × 4 = 20 मार्क्स के आपके पास टोटल क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल 80 हो गया। तो एमसीक्यू में आपके कितने मार्क्स क्वेश्चन आने वाले, आपके टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऑप्शन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। देखो अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है।
तो आपको पता है जब आप लॉजिक पढ़ते हो आपको स्टेटमेंट की डेफिनेशन बताई जाती है कि वो सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। अगर और कोई ऑप्शन आता तो उसे हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहते। ये जैसा ये सेम डेफिनेशन कहीं ना कहीं सेट के जैसा है। सेट में भी यही कहते हैं कि सेट उसी को बोलेंगे जब ये डिसाइड कर सके कि कौन सा एलिमेंट ये बाहर या आउटसाइड। सेम वही चीज़ है, ट्रू कब होगा जब सेट के अंदर है, फॉल्स कब होगा जब सेट के बाहर है। तो वैसे यहाँ पे भी लॉजिक में भी होता है। देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे पूरा डिटेल में, सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उसी को डिस्कस करेंगे। तो ये देखो ये आपके सामने टोटल कितने क्वेश्चन दिए हुए, 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं एमसीक्यू के। आपको क्या करने हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, खुद से सॉल्व करने। अगर ऐसे स्टूडेंट लोग डिमांड करते हैं तो मैं आपको वीडियोस लेके आऊँगा, बट अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब बहुत स्टूडेंट अगर डिमांड करते तब, क्योंकि मेरा वैसे ही शेड्यूल बिजी है। मैं वैसे एक कोर्स स्टार्ट किया हूँ, फाउंडेशन कोर्स ऑन मैथमेटिक्स, जहाँ पे मैं आपको 2020 के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ। उसके बाद मेरा हायर मैथ्स का नेट के लिए चल रहा है, तो वैसे टाइम नहीं है। फिर भी अगर आप लोग डिमांड करते हो तो 1 मंथ के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अब सेकेंड क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया था 1 मंथ मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे देखो टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन हैं। ये इसमें आपको 1 मार्क्स के लिए रहता था, अटेम्प्ट द फॉलोइंग 1 मार्क्स। एमसीक्यू आपका 2 मार्क्स के लिए रहता है ये। तो देखो सिंपल कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले क्वेश्चन का लेवल देखो। फाइंड द निगेशन ऑफ 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, इसका निगेशन फाइंड करना है। निगेशन का मतलब होता है कोई चीज़ अगर हाँ बोल रहा है तो आप ना बोलो, वो ना बोल रहा है तो हाँ, यानी कि उसके अपोजिट में बोलो, कॉन्ट्रेडिक्ट में बोलो, उसको कहते हैं निगेशन। स्टेट द ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू पूछा है कि ट्रू है कि फॉल्स है। निगेशन पूछा है, निगेशन आपको पता होगा इम्प्लीकेशन का डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं और के फॉर्म में, फिर निगेशन अप्लाई करते हैं, जैसे कि डी मॉर्गन्स लॉ के जैसा। अब इसमें पूछ रहा है स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ √3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ट्रूथ वैल्यू पूछा है, एक स्टेटमेंट गिवन इसका ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू पूछा है पी और निगेशन ऑफ पी। आपको पता होगा अगर एक पी है और दूसरा निगेशन है तो इसका मतलब अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू, और के केस में अगर एक भी ट्रू आ गया तो आंसर क्या होता है, उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होती है। तो मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको एक भी नहीं छोड़ना है। आपको 4 क्वेश्चंस में से जो 1 मार्क्स के होंगे वो सारे आप इजीली गेन कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। और सिंपल सिंपल क्वेश्चन में आते हैं, आगे हम लोग देखेंगे हर एक टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। अटेम्प्ट द फॉलोइंग 2 मार्क्स, ये आपका सेक्शन नंबर 2 होता है, जिसमें आपको 12 में से 8 अटेम्प्ट करने। तो अगर लॉजिक के मान लो एक क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स के लिए, और ये कंपलसरी 2 मार्क्स में, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लॉजिक के किस किस में पूछे जाएंगे। आपका एमसीक्यू में 1 क्वेश्चन होगा कंपलसरी, लॉजिक के 1 क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क्स के लिए मे भी हो सकता है, मे भी नहीं होगा, पॉसिबिलिटी मतलब नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स कंपलसरी लॉजिक के क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स में भी होंगे, 3 मार्क्स में भी होंगे, 4 मार्क्स में भी। देखो 4 मार्क्स में पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है 1 मार्क्स और उसमें, लेकिन 2 और 3 और एमसीक्यू में शायद कंपलसरी होंगे। अगर ऐसा हो गया कि वो एमसीक्यू में नहीं देता है, अगर एमसीक्यू में नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो 1 मार्क्स के भी नहीं देगा और आपको दे देगा कहाँ पे, 4 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से वो लोग बैलेंस करते हैं। अब आती है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, जो कि आपका सेक्शन नंबर 2 है, 12 में से 8 अटेम्प्ट करना। अब क्वेश्चन देखो, अब याद रखना है 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर के ना क्वेश्चंस की स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सेक्शन 2 अटेम्प्ट करते हो 12 में से ऐसे 8 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, 12 क्वेश्चन में से ऐसे 8 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो जिसमें मैक्सिमम टाइम बचे। आपको टाइम बचाना है, 12 में से हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपको 10 से भी ज़्यादा आ रहे, बट आपको वही क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जिसमें आपके टाइम बचेंगे, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के टाइम पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट कर लो वो 8 क्वेश्चंस, और इसमें आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चंस पार्ट ए से सेलेक्ट करने, 4 क्वेश्चंस पार्ट बी से सेलेक्ट करने। 2 क्वेश्चन पार्ट ए के हटा दो, 2 क्वेश्चंस पार्ट बी के हटा दो, और 4 क्वेश्चन अगर लॉजिक के क्वेश्चंस आ गए तो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। अब देख लो 2 मार्क्स का लेवल कैसा होगा, क्योंकि अगर आप 2 मार्क्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसका लेवल कैसे होगा, कि इफ स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू आर एस आर फॉल्स डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉल्स। इसमें कुछ नहीं करना होता, जहां जहां पी दिख रहा है उसके प्लेस पे ट्रू रख दो, और जहां जहां क्यू दिख रहा है उसके प्लेस पे फॉल्स रख दो।
सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद रूल अप्लाई कर दो कि निगेशन ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स को ट्रू हो जाएगा, उसके बाद आप यूज कर सकते हो और एंड जो भी है, और के केस में एक भी ट्रू तो ट्रू, एंड के केस में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, डबल इम्प्लीकेशन में तभी ट्रू होता है, अरे हर केस में ट्रू होता है, सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होता है जब ट्रू और फॉल्स वाला सिस्टम हो। वैसे इफ एंड ओनली में दोनों वे में देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन निकालना हो या सिंबॉलिक फॉर्म लिखना, सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको एंड पता होना चाहिए कि सिंबल क्या होगा, और का सिंबल पता होना चाहिए, इफ एंड ओनली ऑफ का मीनिंग पता होना चाहिए, इफ का मीनिंग पता होना चाहिए, निगेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, तो आपके ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। कन्वर्स पूछा है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा, आपको कन्वर्स भी पता होगा, पी इंप्लाइज क्यू, तो क्यू इंप्लाइज क्यू को, क्यू इंप्लाइज पी को कन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर पी और क्यू इंप्लाइज करता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, किसके ट्रू होता है कि पहले निगेशन क्यू ले लो और इंप्लाई कर दो निगेशन पी को, ये स्टेटमेंट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, मतलब पहले इसको रिवर्स कर दो और दोनों में इनवर्स लगा दो। विथाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, अब ये देखो बिना ट्रूथ टेबल का यूज किए इसको प्रूफ कर दो, इसमें अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, अगर आपको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट पता है तो बिना ट्रूथ टेबल का यूज, इसके चांसेस तो कम है इस बार आने के, जैसा कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो मे भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कम हो, बट फिर भी आपको करके जाना है, बट आई थिंक कि शायद क्वेश्चंस इस टाइप के आपको ना मिले, बट फिर भी आपको करके जाना है। ये आंसर्स दिए हैं क्वेश्चंस के, ये आप छोड़ दो, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये भी दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है। राइट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया उसका निगेशन निकालना है, राइट द स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, पी और क्यू सबके फॉर्म में, क्वांटिफायर का यूज करना है, आपको पता होगा दो टाइप के क्वांटिफायर है, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल, उस चीज का यूज करना है, एग्जामिन करना है कि ये स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी, आपको पता होगा टोटोलॉजी क्या होता है, आखिरी वाला जो टेबल है उसमें क्या आने चाहिए, सारे ट्रू ट्रू होने चाहिए, ट्रूथ टेबल का यूज करना है, सबसे इजिएस्ट यही होता है। अब ये सबसे ईजी इसके लिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए और आप इसको सॉल्व कर दो, दोनों हैं, दो स्टेटमेंट हैं, पहला निगेशन पी एंड क्यू और दूसरा पी और क्यू ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद एंड निगेशन पी, आप दोनों को क्या कर सकते हो, अलग अलग फाइंड करोगे, और अगर दोनों के ट्रूथ टेबल की जो एंट्री है अगर वो सेम सेम है तब हम कहेंगे कि वो क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट, अदरवाइज नहीं होंगे। डुअल सबसे ईजिएस्ट, बहुत ही ईजी है। डुअल क्या कहता है, एंड को और में चेंज कर दो, और को एंड में चेंज कर दो, टोटोलॉजी को कॉन्ट्रेडिक्शन में, कॉन्ट्रेडिक्शन को टोटोलॉजी में, सिंपल। राइट द कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका कन्वर्स करना है उल्टा कर दो, इनवर्स करना है उल्टा करके निगेशन अप्लाई कर दो, अरे कन्वर्स में उल्टा कर दो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं, इनवर्स में तो सिर्फ इन, देखो कन्वर्स में क्या करते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू है, जैसा कन्वर्स क्या होगा, क्यू इम्प्लाइज पी, इनवर्स क्या होगा, निगेशन पी निगेशन क्यू, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, निगेशन क्यू निगेशन पी, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। तो ये तीन स्टेटमेंट है, ये तीनों आपको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, उसके बाद उसको वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब खेल पूरा सिंबॉलिक फॉर्म पर। फिर आपको और क्वेश्चन है, वेदर द पैटर्न टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, ट्रूथ टेबल का यूज करना है, मतलब कुल मिला जुला के अगर मैं बात करूं जो इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो किसके बेस पे आ रहे हैं, आपको ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए एक काम, आपको सारे डेफिनेशन क्लियर होने चाहिए वो ट्रूथ टेबल अच्छे से, और आपको अलजेब्रा स्टेटमेंट करके जाओ, वैसे तो देखो करके जाओ अच्छा है, अगर उस क्वेश्चन से आ जाते 2 or 3 मार्क्स के लिए तो आपको वहाँ पे बेनिफिट होगा, इतना भी हार्ड नहीं होता है, कुछ आपको टर्म्स याद कर दें, एसोसिएटिविटी, डी मॉर्गन्स लॉ, आइडमपोटेंट लॉ, ये सब आपको याद कर दें, ठीक है। अब मैट्राइसिस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉजिक और मैट्राइसिस, ये दो बहुत ही ईजी चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे से कवर्स हो जाते हैं, तो यहाँ के आपके क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने। मैट्राइसिस में देखो क्वेश्चन किस पे बनते हैं, इनवर्स मेन फोकस होना चाहिए, आपको इनवर्स फाइंड करने आना चाहिए, दोनों मेथड से आना चाहिए, और उसका एप्लीकेशन एक वर्ड प्रॉब्लम पूछता है। इसके देखो क्वेश्चन दो ही आते हैं, एक क्वेश्चन तो आपको एमसीक्यू में मिलेगा जहां पे आपको 2x2 की मैट्रिक्स गिवन होगी और ये पूछा होगा कि शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आपको मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होता है। ये मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता भी दूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, अगर 2x2 का मैट्रिक्स दिया है तो डिटरमिनेंट डिवाइड में कर दो, उसका ट्रांसपोज, उसका
एडजॉइंट बहुत ही शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हो। डायगोनल को इंटरचेंज कर दो और जो बैकवर्ड डायगोनल है उसका साइन चेंज कर दो और उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, हो गया इनवर्स कैलकुलेट। इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू में। ये जो क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछेंगे, 3x3 मैट्रिक्स दिया होगा, या तो आपको रो इक्विवेलेंट का यूज करके प्रूव करो, या तो फिर आप किसका यूज कर सकते हो, अगर मेंशन नहीं है तो आपके ऊपर है, अगर मेंशन स्पेसिफिक किया है तो आपको जो मेथड से किया उसी से करना है, या तो आपको एडजॉइंट मेथड से दिया होगा तो एडजॉइंट मेथड या रो इक्विवेलेंट का यूज करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इनवर्स। इसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे और इसी चीज का एक टर्म्स दिया होगा जिसे हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसका एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व करना, इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। और या फिर कन्वर्ट करना तो बहुत ही कम क्वेश्चंस बनता है, बट इनवर्स पे बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। देखो अब इसमें क्वेश्चंस, अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो एडजॉइंट मैट्रिक्स बोला है, एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर्स पता होना चाहिए, माइनस पता होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट रहता है बट बहुत ईजी रहता है। ए इनवर्स फाइंड करना है, आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करना है इसका, आप इसका ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, ये एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पता होंगे, वैसे तो मेरा अगर आप मैट्रिक्स का वीडियो देखना चाहो तो मैं आगे बताऊंगा, जब उसमें मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा ना तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं उसका ए इनवर्स क्या होगा। तो यहाँ पे अब एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है जिसको हम लोग डायरेक्टली इसका ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अब ये सॉल्यूशन पूछा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, इसका सॉल्यूशन पूछा है, ये भी आप इजीली कर सकते हो, आपको एक इक्वेशन मिलेंगे जिसका यूज करके आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये कुछ 4 या 5 रिजल्ट है, वो आपको पता होंगे तो सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, पूछ रहा है कि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, नॉन सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सब आपको टाइप से पता होंगे। वैसे टाइप्स के लिए आप मेरा मैट्रिक्स का वीडियो देख सकते हो। 5th एग्जाम्पल दिया है, एक मैट्रिक्स गिवन है सच दैट कि आपके पास एक पॉलीनोमियल दिया है मैट्रिक्स के टर्म्स में, पूछा है के क्या होगा, सिंपल से क्वेश्चन है, ए को उठा के पुट कर दो, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद फाइंड कर सकते हो के मैट्रिक्स में पुट कर दो, स्केलर का यूज करो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का यूज करो, स्क्वायर करो और फाइंड कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ सॉल्व करना है, देख लो आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, जो आप बहुत पढ़ चुके हो, 11th में भी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ चुके हो, 12th में भी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ चुके हो। फिर एक मैट्रिक्स दिया है कि एक कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है जिसको हम लोग बैकवर्ड स्केलर बोलते हैं। बैकवर्ड स्केलर सिंपल सा मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा और अगर ऑड पावर करोगे तो शायद यही मैट्रिक्स बन जाती है। ये कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हैं, -1:i करके ऐसे बनता है। ए ये भी एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है जिसका आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 10-10 अप्लाई कर देना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स के टाइप्स पता हो, या तो आप जनरलाइज कर दो या तो आपको मैट्रिक्स देखते हो उसके टाइप्स पता होने चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस में आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज होते हैं। मैं देखो तुम लोग को एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूं, अगर तुम लोग कहोगे तो एमसीक्यू के क्वेश्चन को किस शॉर्टकट मेथड का यूज करके आप लोग एमसीक्यू के क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं ये क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट जो है ना एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करना, बाकी तो सब कर लेंगे, फंसते एमसीक्यू में, एमसीक्यू में एक तो टाइम बचाना है और दूसरी बात ऑप्शन नहीं, तो कैसे आपको स्पीड बढ़ा के एक्यूरेसी भी अच्छी रखनी है, तो इसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। एलिमेंट ऑफ अ सेकेंड रो एंड अ थर्ड कॉलम इन द इनवर्स ऑफ, इसका इनवर्स फाइंड कर लो और उसके सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब ये पूछ रहा है A2, 3 पूछ रहा है, मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, तो डायरेक्ट वही कैलकुलेट कर लो, इनवर्स जब कैलकुलेट करोगे ना तो उसका डायरेक्ट वही एलिमेंट कैलकुलेट कर लो, किसका यूज करके, जब एंट्री फाइंड करते हैं ना कोफैक्टर ये सब, तो डायरेक्ट इसमें सारी मैट्रिक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब सेकेंड देखो, ए मैट्रिक्स है 2A का इनवर्स, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8, 10 ये सब आ जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना है, और फिर जो नया मैट्रिक्स है उसका इनवर्स ले लो।
और इनवर्स निकालने के लिए भी कुछ नहीं करना है, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 10, 4 और 10 हो जाएगा। तो मतलब ये 80 माइनस, या फिर ये जनरल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जितनी बार इसको करना है तो उतना 1/2 raised to 4, मतलब ये आ जाएगा। सिंपल इसका डिटरमिनेंट निकाल दो और इसको आपस में चेंज कर सकते हो आप लोग। चेंज कैसे करोगे, इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना ना, इसको चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 5, 4 - 5 - 2, ये क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, डिटरमिनेंट आपको पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल दो, मतलब 4 × 5 - 5 × 10, ये मैट्रिक्स का है। बट अपने को A का नहीं निकालना, अपने को पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। सिंपल, सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ इन्वॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन है, सिंपल कंपेयर करके सॉल्व कर दो, जेड की वैल्यू 3 आ जाएगी, देख लो, चेक कर लो किसमें 3 आ रहा है, सी एलिमिनेट हो गया, जेड को 3 पुट कर दोगे तो 3 ये साइड आके कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मतलब ए बी सी एलिमिनेट, डायरेक्ट आपके डी ऑप्शन आ जाएंगे, सारे चेक नहीं करने आपको। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक्स और वाई जेड की वैल्यू पूछा है, ये क्या करोगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे। यही मैं बोल रहा था कि एक तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो इनवर्स पे आएगा, एक तो वर्ड प्रॉब्लम, यही क्वेश्चन बनते हैं मैट्रिक्स। ए दिया है, ये भी आपके पास स्पेशल टाइप का है, आपको पता हो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये पता है कि डिटरमिनेंट का फॉर्मूला डिफाइन कैसे किया जाता है, या फिर आपको ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हो ये पता होगा, तब तो ये इजीली हो गया। आपको पता है ए इनवर्स इज नथिंग बट 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रही है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स, पहली बात तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, क्लियरली डिटरमिनेंट है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए कि आप क्या करोगे, ए इनवर्स 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, इसका यूज करके आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है इसमें, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पूछा है कि इसके पास नो सॉल्यूशन, या आपको 3 कंडीशन पता होगी कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के 3 ही कंडीशन आते हैं, या तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या तो नो सॉल्यूशन होंगे, यूनिक, नो और इनफाइनाइट। लाइन या तो एक पॉइंट पे कट करता है, या तो लाइन पैरेलल होगा नो सॉल्यूशन, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, या तो सेम लाइन हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर उसके बाद ए दिया है, 10 भी दिया है, तो अल्फा की वैल्यू पूछा है, क्यों, क्योंकि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो ए का इनवर्स फाइंड कर दो, दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन करके कैलकुलेट कर सकते हो। वेरी शॉर्ट आंसर में दिया है कि ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करना है वैल्यू, इस सब की वैल्यू फाइंड करनी है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, देखो इनवर्स पे क्वेश्चन आ रहा है, मैट्रिक्स इनवर्स पे क्वेश्चन, 5th भी इनवर्स पे क्वेश्चन, 6th भी इनवर्स पे क्वेश्चन, 7th सिंपल कैलकुलेशन है, इनवर्स का ही कॉन्सेप्ट है, 8th सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है, 9th में ऑर्डर पूछा है ए और बी को, सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। 10th सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 11th ए स्क्वायर करना है, 12th में ए स्क्वायर करना है, 13th में ट्रांसपोज का है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल दिया है, एफ ऑफ ए जब देने तो एक्स के प्लेस पे ए पुट कर दो, सिंपल क्वेश्चन हो गया। 2 में पूछा ए भी दिया है, तो बी ए और ए ट्रांसपोज निकालना है, क्या करोगे, ए का ट्रांसपोज ले लो, बी का ट्रांसपोज ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा नहीं करना है क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता, तो आपको बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को ही मल्टीप्लाई करना होगा। ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए फाइंड करना, सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो ये लोग, वही जो मैंने रिलेशन आपको बताया था, ए दिया है, बी दिया है, फिर से ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई, इनवर्स पे आ गया, 6 फिर से इनवर्स पे है, 7th ये भी इनवर्स से आ जाएगा, 8th भी इनवर्स से आ जाएगा, 9th भी इनवर्स, 10th एडजॉइंट मेथड, 11th ट्राइंगुलर को एक सूटेबल, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला। शॉर्ट आंसर्स, सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर फाइंड करना और ए इनवर्स फाइंड करना है, 2 में ए बी का इनवर्स मल्टीप्लाई करो फिर इनवर्स निकालो, एडजॉइंट ए, सॉल्व द इनवर्स मेथड, देखो सब वही सेम क्वेश्चन है, मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना, तो मैट्रिक्स में कुछ है नहीं ऐसा, मैट्रिक्स में वही कुछ गिने चुने हैं उसी पे क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा भी है, इसमें थेरम्स भी है, सिंपल क्वेश्चन भी है, कोऑर्डिनेट वाले, पोलार कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट के सिंपल क्वेश्चन तो है, साथ ही साथ इसमें थ्योरम्स भी है, अगर कर लोगे तो बहुत सिंपल है, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो रहते हैं वो थ्योरम्स है, इसमें एक थ्योरम्स भी इस पर पूछता है, वो भी आपको
कौन से पूछेंगे कंपलसरी नहीं है, बट इसमें देखो दिया भी होगा, हम लोग वही चेक कर लेते हैं। इसका मतलब आपको थ्योरम्स इस पार्ट से आने वाले, थ्योरी क्वेश्चन से। एमसीक्यू का क्वेश्चन प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा है, आपको पता है दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया एन पाए, तो जनरल सॉल्यूशन आपके पास एन पाए है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की बात करूं तो कितने होंगे, डिपेंड करता है कितना कोऑर्डिनेट दिया, मतलब क्वाड्रेंट क्या दिया, उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 360 डिग्री में दो सॉल्यूशन होते हैं, और अगर 180 तक लोगे तो डिपेंड करता है कि कौन सा क्वाड्रेंट कितना फिक्स कर रहे। ट्रायंगल एबीसी दिया है, सिंपल वही साइन रूल कोसाइन रूल का यूज करके आपका आ जाएगा। इनवर्स का मेथड है, प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन आ गया, वो भी इनवर्स वाले कॉन्सेप्ट का, प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स वाले कॉन्सेप्ट का, यह आपका फिर से साइन से ट्रू हो जाएगा, ए दिया है बी दिया है, आपको उसके साइड का रेशियो निकालना है, ए बी सी दिया है, फिर से आपका रिजल्ट पे साइन कोसाइन रूल से आ जाएगा ये भी। पोलार कोऑर्डिनेट दिया, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि आता है, पोलार कोऑर्डिनेट है उसमें ये आप बहुत बार पढ़े हो, ये ऐसा क्वेश्चन है आपने टेंथ में भी पढ़ा था, कॉमर्स अरे मैथ्स इसमें भी पढ़ते हो, कॉम्प्लेक्स में भी इलेवंथ में पढ़ लेते हो, कोऑर्डिनेट में भी, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह क्वेश्चन आता है, कॉमन क्वेश्चन है। पोलार कोऑर्डिनेट दिया है, आपको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक्स की वैल्यू होती आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू होती आर साइन थीटा, थीटा दिया है 3/4 क्या होता है, ये आर और थीटा के फॉर्म में, आर इज इक्वल टू 3/4, थीटा इज इक्वल टू 3, सिंपल क्वेश्चन, 10 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 7π/6 आ जाएगा। लेकिन इसको मैं और भी कुछ तो लिख सकता हूं, तो जो उसमें क्योंकि एक मतलब पूरे 360 डिग्री पर दो बार वैल्यू सेम होती है, तो देयरफॉर उसका यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक एंगल और इसका आएगा, उसमें कुछ पाए जो भी रहेगा उसका पीरियड ऐड करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है इनवर्स का, वेरी शॉर्ट आंसर, पहला भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, ए बी सी दिया है, थ्योरम्स वाले आ गए, थ्री में भी वही है साइन रूल कोसाइन रूल, फोर्थ देखो ये कुछ स्टैंडर्ड है आपको करके जाने, 3-4 अगर आप प्रूफ उसमें से करके जाते हैं ना उसमें से एक तो कंपलसरी आता ही आता है। पोलार कोऑर्डिनेट्स सिंपल क्या दिया है, पोलार कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है, पोलार कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप आर निकाल सकते हो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टीटा निकाल सकते हो टैन इनवर्स वाई बाय एक्स, खाली उसके साइन के अकॉर्डिंग उसका कोऑर्डिनेट फिक्स कर दो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सीधे सीधे दिख रहा है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब टीटा की वैल्यू 0 to 90 degrees। प्रूफ करना है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आप प्रूफ भी कर सकते हो उसमें इनवर्स का यूज करके। इवैल्यूएट करना है, ये भी सिंपल है, ए बी सी दिया है, साइन ए बी एंगल फाइंड करना है, ये वो साइन रेशियो से आ जाएगा ये भी। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पर्टिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फिर टेंथ मतलब वही सब क्वेश्चन है। यूजुअल नोटेशन से ये तो स्टैंडर्ड प्रूफ है, ये आपको आना चाहिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, फिर थ्री प्रूफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, देख सकते हो आप क्वेश्चंस वही, मतलब अगर आपने पढ़ा है ना तो बहुत ईजी आपके लिए। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन 3 marks इच, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर इसमें प्रूफ करना है, एक क्वेश्चन से आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि राइट एंगल होगा या तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये सारे प्रूफ्स हैं, आपको क्या करना है ये सारे प्रूफ करके जाने, इसमें से एक ना एक तो प्रूफ आपका कंपलसरी आएगा। ये देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो 4 marks के लिए आएंगे, ये भी आप सारे करके जा सकते हो, इतना ही करना है आपको, उसमें से एक क्वेश्चन तो आपके आएंगे। पेयर ऑफ लाइन के क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें देखो बहुत सारी वैरायटी है इसमें कि बहुत अलग अलग टाइप के, आपको सारे फॉर्मूले इसमें अच्छे होने, अगर आपका फॉर्मूला क्लियर है और थोड़ा सा वो सेपरेट वाला करने वाला आ गया ना तब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक तो सेपरेट करने आना चाहिए कंबाइन इक्वेशन वाला, और एक तो आगे आपको फॉर्मूले पे है, सारे फॉर्मूले पे अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है कि परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है, पैरेलल के लिए कंडीशंस क्या है, एंगल कैसे फाइंड करते हैं दो लाइन के बीच का, सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करो ये क्वेश्चंस हो, ये मतलब चैप्टर हो जाएगा, जितने फॉर्मूले हैं ना सब आपके पक्के होने से, और वो तो एक कंबाइन को सेपरेट इक्वेशन, वो आपको टेक्निक पता होना चाहिए कैसे करते हैं। सेपरेट इक्वेशन, इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइन, तो वही रियल डिस्टिंग कुछ कंडीशंस है ना, मैंने कहा कंडीशंस पता होने चाहिए कि क्या कंडीशंस होती है रियल सॉल्यूशंस के लिए, कब दो लाइन कोइंसिडेंट करेंगे, कब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे, कब दो लाइन पैरेलल होंगे, उसके कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन उसके कंडीशंस रहते हैं, इतना हार्ड भी नहीं रहता। ऑक्सिलरी इक्वेशन है, कन्वर्जन करते हैं हम लोग, अगर एक स्टैंडर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एक ऑक्सिलरी इक्वेशन में, जिसका रूट क्या होता है उन दो लाइन का स्लोप होता है, जो दो लाइन होते हैं उसकी स्लोप क्या होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन होती है, वहां से बहुत सारे इक्वेशंस बन जाते हैं आपके। एक्यूट एंगल फॉर्मूले बेसिस पे, ये अगर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं,
अगर एक लाइन दिया है तो के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट सेपरेट कर देंगे और चेक कर लेंगे कि कौन सा लाइन है। वेरी शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर में तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देख लो, कंबाइन इक्वेशन पूछा है कि थ्रू कहाँ से पास हो रहा है, एक पॉइंट दे दिया है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है, मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, और y इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको पैरेलल है। तो पैरेलल इसका मतलब क्या होगा, y की वैल्यू y इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा और x की वैल्यू x इज इक्वल टू टू हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन। सेपरेट इक्वेशन पूछा है, सेपरेट करना है, मैंने कहा ना सेपरेट आना चाहिए। फिर इसके बाद कंडीशंस वाले दे दिए हैं कि अगर, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते, स्लोप और परपेंडिकुलर इक्वेशन फॉर्म का दे दिया जाएगा। फोर्थ में फाइंड द एक्यूट एंगल फॉर्मूले बेसिस पे, h की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये एंगल बिटवीन द लाइन, मतलब एंगल दिया है तो फॉर्मूले में पुट कर दो, ये भी आ जाएगा। शॉर्ट आंसर्स, कंबाइन इक्वेशन पूछा है, कंडीशंस, लाइन, पॉइंट दिए, ये सब आ जाएगा। जॉइंट इक्वेशन का फिर से क्वेश्चन, कंडीशन पूछा है कि कब ये लाइन इस स्टैंडर्ड का एक क्या बन जाएगा। अगर आपको कंडीशन पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्या करना है, कंडीशन बतानी है कि ये लाइन इस गिवन लाइन का कब क्या बनेगा, लाइन बन जाएगा। कोइंसिडेंट का मतलब पैरेलल भी बोल सकते हो, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मेजर। शॉर्ट आंसर में देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें सबके कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। शो दैट की कंबाइन इक्वेशन, यहां से देखो मैं बोल रहा हूँ, यहां से क्वेश्चंस बनने के बहुत कम चांसेस है। स्किप कर दोगे तो ठीक है, अगर पूरे मार्क्स स्कोर करने तो ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बाकी सब पे फोकस करो, इसको स्किप करने में काफी अच्छा होगा। वेक्टर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें भी आपका वेक्टर्स में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्लेन और ये, इसके क्वेश्चंस अगर आपको वेक्टर्स समझ में आ गया ना तो आगे के सब इजी हो जाते हैं। वेक्टर्स पे फोकस करो, वेक्टर्स पे कब लाइन क्या होता है, क्योंकि जो कंडीशन सेम वेक्टर्स के लिए होती ना उसी को जनरलाइज किया गया आगे। तो वेक्टर्स पे कमांड कर लो, बाकी सब ऑटोमेटिक आपका इजी हो जाएगा। वेक्टर्स में आपको क्या करना है कि उस पे जितनी कंडीशंस रहती है ना कि कब लाइन कोलिनियर होगा, सेम उसी का कॉन्सेप्ट प्लेन में कोप्लेनर हो जाता है, किस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में रखते हैं, वेक्टर्स क्या होता है, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो सारे आपके कॉन्सेप्ट अगर एक बार पकड़ में आ गया ना तो फिर आगे के इजी लगते। वही दिया ए बी दिया है, तो कौन सी एल होगी जिसके लिए ये एक इक्वेशन दिया, परपेंडिकुलर होगा ए माइनस एल बी, सिर्फ कंडीशंस पे आ गया। सिंपल मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट पे। एंगल थीटा, सिंपल कॉस थीटा फाइंड करना है। आपको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, उसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। एंगल पूछ लिया तो ये डायरेक्ट इससे कर सकते हो, सम ऑफ टू यूनिट्स इटसेल्फ अ यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस। ये भी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता होगा किसी भी वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, उसको उसके लेंथ से डिवाइड कर दो और आपको जितने लेंथ का चाहिए उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो उतने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अब ये डायरेक्शन एंगल, ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है, आपको खाली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डिस्टेंस पूछा है, वाई एक्सिस, ये भी फॉर्मूले बेसिस पे आ जाएगा। ये आपका एक प्रूफ है सिंपल सा, ए दिया है बी दिया है, ये भी आप सिंपल कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूले को ठीक तरीके से इसमें सो मतलब आपको एडजस्ट करने आना चाहिए। ए बी दिया है, ए दिया है तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, आपको पता है ए बी कैसे निकालते, बी माइनस ए, सिंपल क्वेश्चन। ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो ये तो आपका रिजल्ट है, सीधी सी बात है। वैल्यू सी, कौन से सी के लिए सेटिस्फाई करेगा, लेंथ ही तो निकालना है। यू वेक्टर गिवन है, सी से मल्टीप्लाई कर दो और सबका स्क्वायर लेके रूट ले लो, आंसर थ्री आ रहा है। स्क्वायर करके चेक कर लो कि क्या वैल्यू होगी। द वैल्यू ऑफ, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है, आपको पता है कि आई और जे क्रॉस में, इनर प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम सेम पे वन होते हैं, इनर प्रोडक्ट में सेम सेम पे वन होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, आई क्रॉस जे ले लो, अगर डिफरेंट है तो जीरो, और अगर आई क्रॉस जे है तो वो एक शिफ्ट होके कर देते हैं, और अगर उल्टा करेंगे तो माइनस जे आता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो क्रॉस के कुछ रिजल्ट होते हैं, ये आपको अगर पता है, क्योंकि आपको पता है क्रॉस में क्या यूज होता है, साइन थीटा यूज होता है, तो एंगल के बेसिस पे भी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि आपको पता है आई जे और के सबके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री के तो कितना होता है, 1। अगर आप आई और जे पे अप्लाई कर रहे हो तो i और j क्या होगा, दोनों के बीच का i इंटू जे मॉडुलस ऑफ i, और मॉडुलस ऑफ i क्या है, यूनिट वेक्टर 1, मॉडुलस ऑफ j क्या है, यूनिट वेक्टर 1, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1, तो यानी आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही, लेकिन अगर आप उसका साइन चेंज, अब उसको i क्रॉस j के बदले j क्रॉस i लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि आप
क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव नहीं होता, वो डायरेक्शन चेंज कर देता है, जबकि स्केलर प्रोडक्ट क्या स्केलर है तो उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर सेम सेम ले लोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में वन आता है क्योंकि कॉस मतलब सेम है तो एंगल जीरो कॉस जीरो वन, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आई क्रॉस आई जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो है और साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। दो वेक्टर्स गिवन है, ए बी और ए सी का, टू वेक्टर्स का मतलब उसका पोजिशन वैक्टर गिवन है, मीडियन पूछ रहा है, सीधी सी बात है आपके पास फॉर्मूला है गिवन, उस पर पुट कर दो आंसर आ जाएगा। देखो ये सब क्वेश्चन है, आप इजिली कर सकते हो, कुछ इतना हेडेक नहीं है इसमें। ये शॉर्ट आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं, ये सब देखो, ये सब वेक्टर्स के आपको अगर सारे पता है वेक्टर्स तो आगे के सारे इजी हो जाते। एलपीपी प्रॉब्लम्स के आपको मैं बोलता हूँ ये ऐसा टॉपिक है ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ चार क्वेश्चंस आप कर लो, चार क्वेश्चंस, दो मैक्सिमम के दो मिनिमम के, एक ही क्वेश्चन आता है चार मार्क्स के लिए कंपलसरी, सिर्फ एक क्वेश्चन आते हैं इसके, चार मार्क्स के लिए आता है। मोस्टली पूछा जाता है मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमम पूछा है, दो क्वेश्चंस मैक्सिमम के कर लो, दो क्वेश्चंस मिनिमम के कर लो, अगर टेक्निक अच्छे से समझ में आ गया ना, एक ही क्वेश्चंस बनता है, वो कंपलसरी आते हैं। क्वेश्चंस भी कैसे होते हैं, देखो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे, भूल जाओ कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस से पूछने वाला है, तो क्वेश्चंस क्या होंगे पहले हम डायरेक्ट वही देख लेते हैं। ये रहा आपका मेन क्वेश्चन, ये सब भी नहीं पूछेंगे, जो दिया है ना सब कुछ नहीं पूछने वाला, सीधा ये पूछेगा मैक्सिमाइज करो मिनिमाइज करो, कंडीशन होगी मैक्सिमाइज के लिए लेस देन, मिनिमाइज के लिए ग्रेटर देन। कंडीशंस पे भी बहुत ही रेयरली पूछेगा कि वो अनबाउंडेड है, बाउंडेड है, इनफाइनाइट है, नो सॉल्यूशन है, ऐसा भी नहीं पूछेगा। चांसेस क्या है, और वो इजी भी रहते हैं, वो तो देख के समझ में आ जाता है कि कैसे होगा, लेकिन जो मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, मैक्सिमा पूछो फाइंड करो, मिनिमा फाइंड करो, सिंपल सी बात है, वही क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, हर साल पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, किस बार क्वेश्चंस वो और हार्ड नहीं बनाएंगे, इजी बनाएंगे तो क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके मेन पार्ट आता है कैलकुलस का, कैलकुलस में आपको डेरिवेटिव, देखो अगर मैं कैलकुलस की बात करूँ ना, इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक पार्ट है आपका इंटीग्रेशन डेरिवेशन यानी कि डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड है आपका इंटीग्रेशन, और थर्ड आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को आप फोकस कर लो कि उसमें के सारे मार्क्स आपको मिलेंगे, दो चैप्टर्स है, चार पाँच दिन भी अगर आप बैठ गए ना, आपके सारे मार्क्स बन जाएंगे उसमें से। किसी भी टीचर्स का पाँच लेक्चर ले लो, दो तीन लेक्चर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अच्छे से, दो तीन लेक्चर आखिरी के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस वाले, गारंटी आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपको सिर्फ टर्म समझने हैं, एक बार टर्म समझ में आ गए, क्वेश्चंस भी वही गिने चुने आते हैं, वही टेक्सचुअल क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चंस में से आएंगे, वही अगर मीन और वेरियंस का पूछ लिया, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन एन इंटू पी एन इंटू पी इंटू क्यू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उसके, अब डायरेक्टली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। डिफ्रेंसिएशन आपको पता होता है, देखो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, मैं सीधे से बता रहा हूँ, कैलकुलस सीधा साधा है। आप एप्लीकेशन को पूरा डिलीट कर दो, एप्लीकेशन में सारे एप्लीकेशन नहीं, मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन आप हाथ भी नहीं लगाओगे ना, आपका एक मार्क्स का भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आप पूरी तरीके से देखो भी मत, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को अगर आप नहीं देख ले रहे हो, ऑप्शंस में एलिमिनेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप, अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जाम के लिए कर रहे हो, वैसे तो वो बहुत एप्लीकेशन है, तो हमको मेन एम तो हमारा एप्लीकेशन है, बट फिर भी वो स्टूडेंट जिनको मार्क्स गेन करना है, लेट पढ़ाई स्टार्ट करे, आप एप्लीकेशन को देखो भी मत। चाहे वो एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का हो, वर्डिंग वाले पूरे वर्ड प्रॉब्लम को डिलीट कर दो, मत पढ़ो। इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को पूरा डिलीट कर दो, डिफरेंशिएशन में जितने भी एप्लीकेशंस वाले वर्ड प्रॉब्लम है, एक तो पहला और एक तो आखिरी में शायद है, पूरा डिलीट कर दो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है वहां पे। करना क्या, रोल्स थ्योरम कर लो, और उसी का कौन सा एक सेकंड थ्योरम माइंड में नहीं आया, मीन वैल्यू थ्योरम कर लो, वहां के क्वेश्चंस कर लो, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव ग्रेटर देन डेरिवेटिव लेस देन, और मैक्सिमा मिनिमा के मेथड कैसे फाइंड करते, ये क्वेश्चंस कर लो, एक क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे, और इसी के क्वेश्चंस आपको करने हैं, बाकी वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दो। आ भी गए तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए तो भले कर लोगे, वरना वहां भी अटक जाओगे, तो इससे अच्छा है कि आप पूरा स्किप कर दो। वो स्टूडेंट जो लेट स्टार्ट किए हैं,
ऐसा नहीं अगर आप स्किप भी कर दोगे ना आपके सारे अच्छे तो वैसे भी फिर भी पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ आप ये छोड़ भी दोगे ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ऑप्शंस में ऐसे ही निकल जाते हैं। चार चार क्वेश्चंस करने हैं तो दो क्वेश्चंस में वो एक क्वेश्चन रहते हैं, वो भी दो मार्क्स में नहीं रहते, तीन मार्क्स में रहते हैं, मतलब इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, एक तीन और एक चार, तो तीन का भी निकाल दो, दो दो क्वेश्चन तो होंगे ना, बाकी चार तो ईजी रहेंगे, दो दो क्वेश्चन बनेंगे, एप्लीकेशन का हटा दो एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भी नहीं एक ही क्वेश्चन पूछे जाते, एक तीन मार्क्स के लिए, एक चार मार्क्स के लिए, और एक इसमें, मतलब टोटल चार क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन बेसिस पे आते हैं, दो पार्ट थ्री में और दो पार्ट फोर में, चार मार्क्स के लिए, चार मार्क्स के लिए भी नहीं उसमें तो एक ही आता है, तीन मार्क्स के लिए दो क्वेश्चंस बनते हैं, तो दो क्वेश्चन तो ऐसे भी आपके निकल रहे हैं ना, चार क्वेश्चंस निकल रहे हैं, तो मतलब एप्लीकेशन हटा दो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, डिफरेंशियल इक्वेशन के भी हटा दो। करना क्या है, डेरिवेटिव पे फोकस करो, इंटीग्रेशन पे फोकस करो, उसकी प्रॉपर्टी पे फोकस करो, और डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टाइप्स हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन को, ऑर्डर डिग्री का शॉर्टकट मेथड सीख लो, डायरेक्टली क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो कर लो, वहां पे आपको डायरेक्टली देख के बता सकते हो, मेथड्स है सिंपल सिंपल, उसका यूज करके आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को देख के बता सकते हो किसका सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्व करना आता है ना फैक्टराइजेशन, पॉलीनोमियल में कन्वर्ट कर दो ऑक्सिलरी क्वेश्चन में, फैक्टराइजेशन कर लो, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे एमसीक्यू। एक क्वेश्चन आपका सिंपल सॉल्यूशन है पूछेगा, ज्यादा चांसेस रहते या तो वेरिएबल सेपरेबल पे या तो लीनियर इक्वेशन पे, वो भी हो जाते हैं। मेन फोकस क्या है पता है इसमें, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है, ये नहीं बोलूंगा कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसी टाइप के, मैं तो बोलता हूँ क्वेश्चन बैंक पे जितने हैं सारे सॉल्व कर दो, एप्लीकेशन लगे तो छोड़ दो। जैसे देखो अब ये देखो सारे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख के समझ जाओ ना क्या करोगे इसमें, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा ना, कौन सा छोड़ोगे, सारे कर दो, डेरिवेटिव 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 सब डेरिवेटिव है, आपको आना ही चाहिए, कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, सब डेरिवेटिव, इसमें तो आपको डेरिवेटिव करने आना चाहिए, डेरिवेटिव के आपको रूल पता होना चाहिए कैसे साइन फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक पे आपकी कमांड होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपका किस पे कमांड होना चाहिए, लॉगरिथम पे कमांड होना चाहिए कि कैसे लॉग का यूज करके डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, ये फोकस होना चाहिए आपका। थ्योरम्स में गिने चुने जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, एक थ्योरम तो मैंने वीडियो भी डाला है बट इतना रिस्पांस नहीं आया, इसके लिए मैंने आगे उसको वीडियो डालना बंद कर दिया, अगर रिस्पांस आते तो मैं आपके सारे कंटिन्यू करा देता, ठीक है, बट एक तो वैसे ही टाइम नहीं है, ऊपर से अगर आप लोग नहीं देख रहे हो तो फिर कुछ मतलब नहीं, इसके लिए मैंने वहां पे स्किप कर दिया, अदरवाइज मैं उसको कंटिन्यू करता। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव छोड़ दो, सारे पूरा नहीं छोड़ना है, मैक्सिमा मिनिमा करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने है, टेंजेंट का फॉर्मेशन कैसे ये करना है, नॉर्मल का फॉर्मेशन कैसे करना है ये करना है, तो ये दो कुछ कॉन्सेप्ट आपको कर दें। एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम को, मेरा मेन मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम को स्किप कर दो, वर्ड प्रॉब्लम मत करो, जैसे देखो ये वर्ड प्रॉब्लम दिया है 7, क्यों इतना दिमाग खराब करोगे, स्किप कर दो, एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन पूछेगा नहीं, एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं और एमसीक्यू पूछने वाला नहीं है, जहां पूछेगा वहां ऑप्शन है, तो क्यों इसमें इतना अपना। और अगर मान लो रेयरली आ भी गया, अगर आप एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो तो आप ऐसे करोगे, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप स्किप कर दो, बहुत सारे हैं ना आपके पास। वेरी शॉर्ट आंसर्स वही है, टेंजेंट का मैंने आपको बोला ये आपको करना होगा, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ये भी अगर आ रहे तो ठीक है, वैसे भी तो ऑप्शंस आपको मिल ही जाएंगे, बाकी डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली बहुत सिंपल होता है, ये तो करके जाओ, मैक्सिमा मिनिमा ये सब सिंपल होता है, स्लोप सीधी सी बात है स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको पता भी होगा एक पॉइंट ऑफ स्लोप फॉर्म y-y0 इज इक्वल टू एक्स एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, वेयर एम इज स्लोप, दो पॉइंट दी गिवन होगा, बस वहां पे हम लोग एम दूसरे मेथड से निकालते थे, यहाँ पे एम क्या होगा dy/dx, क्योंकि एक थ्योरम होता है कि डेरिवेटिव इज नथिंग बट किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव कुछ और नहीं बल्कि उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो कर्व के एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो और उसकी स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते हैं डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। कार मूविंग छोड़ दो इसको, ये एक्सेलरेशन फिजिक्स में पढ़ते हो, अगर फिजिक्स अच्छा तो वैसे भी हो जाएगा आपका। 7th इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये कर लो, 8 डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ये भी कर लो, 9 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी आपको देखो, ये सब क्वेश्चन तो आप पूरे छोड़ दो, इसको तो करो ही मत, ये भी कर दो, ये सब आपको एलिमिनेट इसमें वो करना है, इसको छोड़ देना है, स्किप करना है, एग्जाम में भी स्किप करना है। इनडेफिनेट में कोई आपको छूट नहीं है, जैसे डेरिवेटिव में आपको कोई छूट नहीं है, आपको पूरा करना है, इनडेफिनेट में कोई छूट नहीं, आपको सारा करना है इसमें, इसमें मैं आपको सारे टाइप्स बोलूंगा, सारे के सारे टाइप्स कर दो, एक भी मत छोड़ो इसमें, आप ये जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं सब सॉल्व कर दो
और इसी से रिलेटेड आएंगे, कुछ बाहर का नहीं आता, क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस यही देंगे, क्वेश्चंस के टाइप सेम होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यही क्वेश्चंस उठा के आपने याद कर लिया, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये हमेशा माइंड में रखना। ऐसा नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन बैंक है तो यही उठा के क्वेश्चंस दे देंगे। जैसे यहाँ पे 2 दिया है, जैसे कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोल दे तो अब अगर आपने 2 लिखा है तो आपको एग्जाम में 3 दे देगा, बट कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। आप बोलोगे नहीं वहाँ पे 2 दिया था तो यहाँ पे भी 2 देना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। तो वही बात है, सेम टाइप के होंगे, ये सॉल्व कर दो इसी टाइप के आते, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता। क्वेश्चन चेंज होंगे, क्वेश्चन चेंज मतलब वेरिएबल चेंज कर। यहाँ पे एक्सपेयर का डेरिवेटिव पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं बोल रहा हूँ एक फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन है और वाई स्क्वायर दे दे और बोले एक्स के रिस्पेक्ट और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो सिंपल सी बात है 2y होगा, कुछ फर्क पड़ने वाला है, सिर्फ नोटेशन चेंज कर दे। तो वही चीज है सिंबल, यही डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी पे कमांड करो, बाकी इनडेफिनेट के साथ साथ आपका डेफिनेट हो गया। जब आप इनडेफिनेट पढ़ते हो ना, मान के चलो डेफिनेट आपका हो चुका है, इनडेफिनेट के साथ साथ आपका डेफिनेट भी हो चुका है, सिर्फ आपको ये चीज बताना है कि अपर में से लोअर को माइनस कर दो, बस यही कॉन्सेप्ट है। और वो 7 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 प्रॉपर्टी कर लो, इनडेफिनेट कर लो, डेफिनेट वैसे ही हो गया। डेफिनेट को अप्लाई करने आ गया और अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉपर्टी कर लेना, बाकी वही चीज है, सब ऐसे हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब इनडेफिनेट ही है, सिर्फ वो प्रॉपर्टी जो है ना, ये देखो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से करना है, प्रॉपर्टी के बेस पे एग्जांपल है, ये सब आप कर लो। ये प्रॉपर्टी जो बता रहा हूँ देखो, ये 47, 48 यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पे एग्जांपल्स है, वो सब कर लो, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। एप्लीकेशन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दोगे तो इसमें एप्लीकेशन पूरा छोड़ दो। डिफरेंशियल इक्वेशन सब छोड़ दो इसमें, नहीं नहीं सब मत छोड़ो, इसमें से क्या छोड़ना है, वर्ड प्रॉब्लम छोड़ना है, वो जो 15-20 एग्जांपल है ना बड़े बड़े, एक ही मेथड से सब हो जाते हैं, वही एक ही दो मेथड है, अलग अलग टाइप के 3-4 उसी को क्लासीफाई किया गया है, सेम टेक्निक है, 3-4 स्टेप होता है, उसी स्टेप पर सेम स्टेप से कैलकुलेट कर लेते हैं, बट नहीं करोगे तो भी चलेगा, वही उस पर डिपेंड कर रहा है, उसका इक्वेशन बनाओ, एक टेंजेंट का कंडीशन दे देंगे, एक कॉन्स्टेंट दे देंगे, उसी को एलिमिनेट करके सेम सॉल्यूशन निकाल दो, बट नहीं करना है कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने किया है तो ठीक है, अगर अभी प्रिपेयर करो कोई जरूरत नहीं, फोकस करो बाकी सब्जेक्ट बाकी सब टॉपिक पे। वही मेथड हाउ टू सॉल्व सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यही सब कर लो, हो जाएगा आपका। ये देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन ज्यादा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सारा कर दो, मैंने कहा ना 3-4 दिन बैठो, 4-5 दिन किसी भी कहीं से भी देख सकते हो, यूट्यूब से देख सकते हो, बुक पढ़ लो, ऐसे तो अगर आप बुक भी पढ़ लोगे ना तो भी हो जाता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है, खाली बस थोड़ा बाइनोमियल में वो, अगर वो भी आपको देखो अगर समझना है तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला याद कर लो कि एन किसको बोलते हैं, एक्स किसको बोलते हैं, ये आइडेंटिफाई करने आ गया ना, क्वेश्चन वैसे ही बन जाते हैं। फिर आपके सामने वही फॉर्मूला होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एन क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, एन सी एक्स हमको ये बताता है कि वो कोएफिशिएंट होगा, क्योंकि ये बाइनोमियल इसका नाम इसके लिए दिया है, क्योंकि वो ए प्लस बी होल रेस टू एन, उसी के जैसा इसका फॉर्मूला दिखता है। पी क्या होती है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, क्यू क्या होता है, उसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको पता होगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। एक्सपेक्टेड को मीन कहते हैं, वही एन इंटू पी, सिंपल क्वेश्चन एमसीक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है एक्सपेक्टेड कैसे निकालोगे। एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है, हर एक रैंडम वेरिएबल के एक्स को उसी के प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, सिंपल क्वेश्चन रहता है उस पर। सीडीएफ ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये कैसा फंक्शन है, पोलर आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक एक पॉइंट को उठा के चल रहा हूँ तो कंटिन्यूस तो वैसे भी नहीं हो सकता, स्टेप फंक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन भी आपको पूछेंगे नहीं, थेरी पार्ट इतना डीप्स में आपको नहीं पूछते। एक्स डिनोट कर रहे नंबर ऑफ अपर मोस्ट, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ये सब भी एमसीक्यू में भी नहीं पूछेंगे, इसके चांसेस है 1 मार्क्स के। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से पूछेंगे पता है, वही मीन वाला, एन इंटू पी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर वो नहीं पूछ रहा है तो 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछ लेगा बड़ी वाली, पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो छोटा उसमें अगर छोटा पूछ रहा है तो 1 मार्क्स आपको एमसीक्यू में पूछ लेगा। ये इसी तरीके से चलता है, जैसे एलपीपी का फिक्स है ऐसे इसका भी फिक्स है आपका। तो ये सब देखो, ये आपके क्वेश्चंस बैंक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि किस किस तरीके से करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो हर सब्जेक्ट का।
ये देखो टाइप दिया है, सब इसमें दिया भी है, ये आप सब एक बार देख सकते हो। आई थिंक इसका सॉल्यूशंस का भी आंसर्स भी दिया है, आप चेक कर सकते हो पूरा पीडीएफ क्या क्या गिवन है, बहुत ही अच्छे से इसमें दिया है। आप पूरे क्वेश्चंस को करो, अगर सपोज फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी की वो अगर बैठ के ये सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देना, उनके 100 में से 95 से अगर वो अरे वाला मिस्टेक ना हो, अरे यार वाला बोलते ना कि ये अरे यार मिस्टेक, मतलब वो ये तो नहीं होना चाहिए था, सेट ये हो गया, अरे यार अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, वो अगर मिस्टेक को हटा दो ना तो आप 100 कर सकते हो। बट वो अरे यार वाला मिस्टेक आपका 5 से 10 मार्क्स लेकर डूब जाता है, ठीक है। तो अरे वाला सिस्टम आपको हटाना है तो प्रैक्टिस करो, ये जो आपके टेस्ट लिए जाते हैं ना वो इसके लिए, ताकि वो अरे यार वाला सिस्टम आप खत्म हो जाए कि अगर ऐसा नहीं होता यार सिट, अरे यार ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये अगर आपको ये हटाना है ना तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका अरे यार वाला सिस्टम उतना कम हो। अगर आपके पास बहुत नॉलेज है और एक स्टूडेंट जिसने बहुत सारे प्रैक्टिस किए तो एक्यूरेसी उसकी अच्छी होगी, क्योंकि आपका वो अरे यार वाला सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, आप बोले अरे यार इसको ऐसे कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उसका आदत हो गया, भले उसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं है लेकिन उसका अरे वाला सिस्टम उसने इतना प्रैक्टिस किया ना कि वो उसका कम हो गया, तो वो आपका नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी आपका इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट के मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉमर्स सेक्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, उन सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आई होप अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो बनाना है इसका, इसके सॉल्यूशंस का, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे भी, जो मेरे स्टूडेंट्स लोग हैं, और या तो आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जितना पॉसिबल हो सकता है एमसीक्यू के, खासकर मैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही है, और उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के जो मेनली आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, वो मैं आपको करा सकता हूँ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने इसमें ये जो लेक्चर था इसमें मैंने आपको क्वेश्चन से आइडिया दे दिए कि इसे बहुत कुछ मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये पीडीएफ है तो यहाँ पे मैं इंक वगैरह नहीं यूज़ कर सकता था, अभी मैं बाहर हूँ, नेट होता तो शायद मैं इंक का यूज़ कर लेता, बट फिर भी आपको वर्डिंग सुननी थी कि क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, वो इम्पोर्टेंट था। आपको प्रैक्टिस करो, मैं तो यही बोलूँगा प्रैक्टिस करो, जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, मैं हर लेक्चर में यही बोलता हूँ, प्रैक्टिस करो, और अगर जितना लेक्चर्स ले सकते हो उससे आपको आइडिया मिलती है कि आपके थिंकिंग में और दूसरों के थिंकिंग में मैचिंग क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, खुद से करो और दूसरों की सुनो, उसके बाद जब आप मैचिंग करना स्टार्ट करते हो आपको ये पता चलता है कि कौन सा मेथड बेस्ट है। हो सकता है आपका मेथड बेस्ट हो, या हो सकता है आपके मेथड से भी बेस्ट मेथड सामने वाले का हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस खुद करनी है फिर कंपेयर करना स्टार्ट करो, इससे ऐसे ही दुनिया चलती है कि खुद का हो सकता है कि 10 लोग हैं, 10 लोग की थिंकिंग अलग है, लेकिन अगर आप किसी और के भरोसे रहते हो, अपनी थिंकिंग नहीं निकालते तो भी प्रॉब्लम है, और अगर अपनी थिंकिंग करके किसी और की नहीं सुनते तो भी प्रॉब्लम है। अगर दुनिया चलाना है, आगे बढ़ना है, तो अपनी थिंकिंग भी निकालो और साथ ही साथ दूसरों के थिंकिंग को अपने से मैच करो, और ये देखो कि किसका थिंकिंग बेटर है। अगर सामने वाले का थिंकिंग बेटर है तो उसको अडॉप्ट करो, अगर अपना थिंकिंग बेटर है तो उसको शेयर करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आइडियाज शेयर करो दूसरों के साथ, फिर ठीक है। तो थैंक यू, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर कुछ भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।